A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the other house also, it shall be presented to the president for assent. If the bill transmitted to the house under clause 1 is passed with the amendment, it shall be sent back to the house in which it originated, and if the house passed the bill with those amendments, it shall be presented to the president for assent. And the custodian of the Senate is? The chairman. Chairman belong to your party? Meri party nahi, sir. Meri to sirf, meri, you voted for him? Vote kiya, but not. So did you remove him? Did you seek his removal? No, my lord. Did you submit a resolution saying the chairman Senate is making bills disappear which were transmitted to the Senate? That's a very serious allegation, Shoaib sahab. जी मैं सर इस देखिए इस वक्त मैं नो 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 आप इस वक्त आपने तहरीरी तौर पे बात लिख दी है ना हमारे सामने जी आपने सोच समझ के पिटिशन ड्राफ्ट की माशाल्लाह बहुत सीनियर वकील भी हैं सियासतदान भी और मिनिस्टर भी रह चुके हैं तो उन्होंने जो एलिगेशन बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया है तो इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे है जी सर मैं जो ये इसकी जिम्मेदारी किस पे आप बताएं ना हम उसकी तय करने इस पे तो मैंने अभी जो मेरा प्रेयर है शायद इस पे मैंने नहीं डिस्कस किया मैंने इस बैकग्राउंड दिया है कि जो मिसिंग पर्संस के हवाले से जब ये कहा जाता है कि कोई भी इन्फोर्स जबरदस्ती को किसी को उठाएगा तो उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी होनी चाहिए तो जो वो नेशनल असेंबली से बिल पास हुआ वो गायब कर दिया गया चलिए आपकी बात के साथ चल रहे हैं ये गायब किसने किया चेयरमैन सेनेट ने गायब किया है मैं उसको एविडेंस तो हमारे पास नहीं है बट इन द प्रोसेस कहां से हुआ किसने किया ये फैक्ट है आप बता देना जो रखवाला है घर का वही गायब कर सकता है ना वो रिस्पॉन्सिबल तो हो सकता है वो डायरेक्टली शायद वो गायब ना करे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फाइनली उसके ऊपर आती है कि उनको देखना चाहिए तो आपने तो पार्टी क्यों नहीं बनाया अगर आप इतना सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं संजय रानी साहब के खिलाफ तो उनको कम से कम पार्टी तो बनाए ना या तो ये जिक्र ना करें आपने एक जिक्र कर दिया है कि इन्होंने एक बिल गायब कर दिया ये मेरे ख्याल में तो बहुत ये तो उसके जुमरे में शायद आ जाए मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ कि कल को कहीं अखबार की सुर्खी ना लग जाए मगर ये बहुत ही सीरियस बात है या तो आप इसको मजाक समझ रहे हैं या आप इसको सीरियसली लें दोनों में से एक बात करें ना अगर आप इस बात को सीरियसली लेते हैं क्योंकि आपने लिख के कहा है तहरीरी तौर पे कहा और हमें कोई वजह नहीं है कि एक सीनियर वकील की बात को नजरअंदाज कर दें जो कि माशाल्लाह उनका अपना भी एक बहुत बड़ा नाम है रेप्यूटेशन है पाकिस्तान में तो ये इस बात को फिर हतमी आखिर तक ले जाइए ना ठीक है सर, आप उनको पार्टी बनाए अगर जनाब मुनासिब नहीं तो हम मुनासिब कुछ नहीं समझेंगे तो आप ऐसे एलिगेशन लगाएं और वो भी देखिए वो वक्त वो था जब पीटीआई की हुकूमत थी ये तो ये बात अजीब बात है कि एक मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मेरी बिल गायब हो गया भाई अगर ऐसी बात है इसका मतलब एक बहुत बड़ी साजिश हुई है ना सेनेट ने की या चेयरमैन सेनेट ने की कि बिल ही गायब कर दिया फिर उसे वोट आके मुस्तरद हो सकता है मगर गायब तो नहीं हो सकता है तो अगर उन्होंने गायब कर दिया तो ये कितना बड़ा अब इस क्या आप ही लफ्ज इस्तेमाल कर लें आप मुनासिब समझेंगे देखिए जब गलती अपने घर में भी हो ना उस पर उंगली रखें हमने एक नया असूल अपनाया है सुप्रीम कोर्ट सर लेकिन जब हम गलत करते हैं हम कहेंगे एक केस में नहीं मैंने कई केसेस में कहा है कि ये केसेस नहीं लगे ये हमारी गलती थी ये हमने गलत किया है तो अगर आप सिर्फ एक सियासी मकासद के लिए केसेस लाएंगे हमारे पास वो एक अलग बात है या फिर पूरी बात कीजिए हम उनसे पूछ लेते हैं अब हो सकता है वो कहेंगे जी मुझे तो कभी बिल आया ही नहीं ये तो, शिव सब ये रिकॉर्ड से गायब हो गया था या फ्लोर पे आया ही नहीं है डिस्कशन के लिए इट वाज नॉट अ टेबल इसमें तो जो श्री मजारी साहिबा है उसकी रिपोर्ट के ऊपर उसकी स्टेटमेंट के ऊपर मैंने रिलाय किया है वो ये कहती है नेशनल असेंबली से पास होकर उधर गया पेज 58 पे उसकी स्टेटमेंट है लेकिन उसके बाद आगे उसकी जो स्टेटमेंट है बट इट वाज मिसिंग आफ्टर इट वाज सेंट क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल था सेक्शन 52 बी पीपीसी के अंदर ऐड होना था उसके अंदर कुछ कॉम्पनसेशन और कुछ सजाएं थी अगेंस्ट सजाएं थी जो डिसअपीयरेंसेस के
वो आपका जो है नेशनल असेंबली से पास होके इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, वैसे वहां से वो गया, वो सेनेट से गायब हो गया. वो भी उसमें शामिल हो गया. और इसमें माय लॉर्ड मैंने बाकी जो रेफरेंसेस दिए हैं वो भी मुलाजा फरमा ले सर, इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स के अलावा उस बिल की कॉपी तो हमें दिखा देना, क्या था मांग रहे थे उसमें आप? सर वो मेरे पास है नहीं, probably इसमें लगी नहीं है. हो सकता है पास हो गया या नहीं पास हुआ. नहीं सर नहीं हुआ, क्योंकि लॉ में तो नहीं आया. अब देखिए अब हम आपका काम कर रहे हैं. माय लॉर्ड ने पॉइंट आउट किया और ये बिल जो है ना, ये देखिए ये बिल है शोएब साइन साहब, ये बिल जो है ना ये किधर से आपने प्रिंट आउट किया? ये नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है जी. तो थोड़ी सी वो कर लिया करें ना जहमत, फाइल में चुका नहीं था. नहीं, नहीं, जहमत थोड़ी सी कर ले ना, हमारा काम तो नहीं है कि अब ये चीजें निकालने आपके लिए. अब इसमें माय लॉर्ड ने सही कहा है कि 52 बी ऐड होना था इसमें पाकिस्तान पिनल कोड में, ठीक है, और 512 बी ऐड होना था पाकिस्तान पिनल कोड में, ठीक है, 513 514 ये सेक्शंस ऐड होना थे. फाइव इयर्स की जो इंप्रिजनमेंट और 5 लाख कॉम्पेंसेशन. ये बिल तो सबमिट किया है शेख रशीद अहमद ने. आपने कहा शाहिदीन मजारी ने किया है, इस पे तो लिखा है मिनिस्टर फॉर इंटीरियर शेख रशीद अहमद. Probably, इन्होंने लेकिन जो ये हमने हमारे सामने जो प्रिंट आउट हुआ है नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट से, इसमें तो नाम आ रहा है मिनिस्टर का आ रहा है शेख रशीद अहमद जी. तो अब कहते हैं गवर्नमेंट इसको पास कर सकती है या नहीं कर सकती? नहीं सर ये तो नहीं कर सकती. अच्छा तो ये तो शेख रशीद अहमद है जी सर. लेकिन ये आपने देखा ये जी सर, अभी मुझे मेरे लड़के ने ला करके दिया है, तो एक फाइल में चुके था नहीं, मुझे रात ही फाइल मिली है. मैं लौट मैंने भी देखा के मुताबिक भी वो कहती है वी हैड प्रीपेड. हां लफ्ज हां आई का लफ्ज नहीं लिखा, वी का लफ्ज लिखा. श्री मजारी साहब की स्टेटमेंट सर जी माने एक और प्रिंट आउट दे उसके दो और. ये मेरे पास एक कॉपी है मैंने. नहीं हमने ले लिया है, खुद ही ले लिया प्रिंट आउट. नहीं है सर ये प्रिंट आउट लिया ये आपके मेरे को जरा देखिए आप दे दो मुझे मिल जाएगा.